ऑप्शन एट है, आर डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर फिटेड इन द वॉल। एक डोर है जिसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई डोर की और ये ब्रेथ हो गई, ओके, ये 2 मीटर दी हुई है और ये 1 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 एंड ब्रेथ इज 3.6। ये आपको दी हुई वॉल की लेंथ 4.5 मीटर और इसकी ब्रेथ दी हुई है आपको वॉल की 3.6 मीटर। सो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, सिर्फ वॉल वॉल को कलर करना है, डोर को नहीं। तो डोर का एरिया आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस वॉल के एरिया में से, तब जाके आपके पास वो वॉल बचेगी जिसको कलर करना है, और फिर आपको कलरिंग की कॉस्ट भी निकालनी। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं उस वॉल का जिसे कलर करना है। एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल एंड माइनस एरिया ऑफ डोर। जिस वॉल को कलर करना है उसका एरिया निकालने के लिए, जो वॉल आपको जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है उसका एरिया निकालिए, उसमें से डोर का एरिया सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने इनके कैपिटल एल और बी से वॉल के लिए ले लिया डायमेंशंस, और स्मॉल एल और बी से डोर के लिए। ये 4.5 और ये 3.6 गिवन थी, ये 2 और 1 गिवन थी, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे आ गया 2 मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करा हमने 16.20 मीटर स्क्वायर। सबट्रैक्ट किया 16 में से 2, सबट्रैक्ट किया 14 एंड 0.20 मीटर स्क्वायर। 14.20 मीटर स्क्वायर आ गया उस वॉल का एरिया जिसे हमें पेंट करना है। अब हमें कॉस्टिंग दी हुई है, नाउ कॉस्ट आपको दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर जो पेंट करते हैं हम, तो उसकी कॉस्ट दी हुई है 20 रुपीज़। सो आपको कॉस्ट निकालनी है, अगर हम 14.20 मीटर स्क्वायर को कलर करते हैं तब क्या कॉस्ट आएगी। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से इस एरिया को हम इंटू कर देते हैं 14.20 को, सो हमारे पास रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 284.00 रुपीज़। सो ये हो गया ओनली 284, बिकॉज पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो और उस ज़ीरो के आगे है ना किसी भी प्लेस वैल्यू पे कोई नंबर फिल नहीं किया गया तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सो 284 रुपीज़ हो गया।